की महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया जिसमें 2 घंटे छात्र छात्राएं हर्ष में बैठे रहे। प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। प्रशासन और यूनिवर्सिटी और मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है इनकी मिली भगत से छात्र छात्राओं को जानबूझकर फेल किया जा रहा है और उनसे मोटी रकम कमाई जा रही है। जब 900 विद्यार्थी बीए में है 800 फेल हो गए हैं, बीएससी में 200 विद्यार्थी हैं 180 फेल हो गए हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बच्चे लोग पेपर हल ना करें। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की और मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है इसकी साठगांठ के तहत ये सब किया जा रहा है और छात्रों को भविष्य को गुमराह किया जा रहा है। अभी छात्रों की क्या मांग है? छात्रों की मांग है 8 दिन के अंदर उनकी उत्तर पुस्तक की पुनः जाँच नहीं की जाती है। तो यानी चाहिए विधानसभा स्तर में जिला छिंदवाड़ा में कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन करेगी। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।